मॉर्निंग बच्चों, लेट्स कम टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नेक्स्ट सेशन 5। अमित सोल्ड गुड्स बच्चों, अमित इज अ सेलर, सेलर मींस ब्लॉगर के बच्चों, फॉर रुपीज 50,000 ऑन 15th ऑफ मार्च 2018 बच्चों। सो डेट ऑफ सेल क्या, 15th ऑफ मार्च, अमाउंट है 50,000 एंड सोल्ड बाय अमित, ठीक है, एंड रिसीव 10,000 इन चेक ऑन द नेक्स्ट, रिसीव 10,000 रुपीज इन चेक ऑन द नेक्स्ट। सोल्ड कितने का होता है बच्चों, 50,000। पैसे कितना मिल रहा है, 10,000। 10,000 क्या है, पार्ट पेमेंट है बच्चों, ओके। ऑन द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मतलब विच डे, 16th ऑफ मार्च, बाय बिकॉज 15th को क्या हुआ, सेल हुआ है टू सुमित, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन किसके साथ हो रहा है, सुमित के साथ, क्या पीछे अमित गुड सोल्ड कर रहा किसको, सुमित को, तो अमित इज अ ड्रॉवर एंड सुमित इज अ ड्रॉवर, ठीक है बच्चों। ऑन 18th मार्च सुमित एक्सेप्ट द वेरियस बिल, वेरियस मतलब मीनिंग, 18th मार्च 18 सुमित एक्सेप्ट द वेरियस बिल। अब देखो बच्चों, 50,000 सेल हुआ था, 10,000 आपने रिसीव किया, कितना बैलेंस बच गया, 40,000 बच गया बच्चों। कल भी आपने बच्चों बहुत सारे लोग एक ही बिल ड्रॉ करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो होते हैं सोचते 40,000 का मैं अगर एक ही बिल बनाऊंगा और सामने वाला पार्टी अगर नहीं दिया पैसे तो पूरा 40,000 एक साथ डूब जाएगा, तब क्या कर सकते हो, स्लैब कर सकते हो, चलो 40,000 है ना, एक बिल 5,000 का, दूसरा बिल 10,000 का, तीसरा बिल 15,000 का, इससे क्या होगा, ड्रॉवी को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट देना है और आपका भी पैसे सिक्योर होता है, ये कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसा है, ओके, दैट्स व्हाई दे ड्रॉइंग द वेरियस बिल। सो हाउ मच द बैलेंस इज देयर, 40,000 राइट, ओके। So he draw the various bill on the 18th March, but that 20,000 for 4 months. पहला बिल है बच्चों 40,000 का है 4 महीने के, सेकेंड बिल है 12,000 फॉर 3 मंथ, सेकेंड बिल है 3 मंथ का, एंड देन थर्ड बिल है 8,000 फॉर 2 मंथ। तो सोचो अभी पहला बिल 20,000, दूसरा बिल 12,000, कितना है बच्चों 32,000, एंड तीसरा बिल 8,000, तो 32 प्लस 8 40,000। अनपढ़ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, 50,000 का आपने सेल किया था, 10,000 पार्ट में रिसीव हो गया, 40 बैलेंस दिया राइट, एंड यू ड्रॉ द थ्री बिल 20, 12 एंड 8, 20 प्लस 12 32 एंड 32 प्लस 8 40,000 राइट बच्चों। बट इसका टाइमिंग देखोगे ना, पहला बिल है 4 महीने का, दूसरा बिल है 3 महीना और थर्ड बिल है 2 मंथ का बच्चों, तो विच विल गेट अर्ली ड्यू डेट, किसका ड्यू डेट पहले आएगा बच्चों, इसका टाइम कम रहेगा, तो पहले टाइम के साथ तीसरे बिल का 2 ही महीना है, अब सपोज अगर कभी बिल ड्रॉ किया मार्च का, तो मार्च से 4 महीना कभी आएगा बच्चों, जुलाई में आएगा, मार्च से 3 महीना कभी आएगा बच्चों, जून में आएगा, और मार्च से फिर 2 महीने आते मई में, इसका मतलब थर्ड बिल का ड्यू डेट पहले आएगा, फिर सेकेंड लास्ट बिल, फिर फर्स्ट बिल आएगा बच्चों। हम लोगों ने एक सम किया था हमारा का एंथोनी का, उसमें वैलिड बिल था, लेकिन उसमें पहला बिल था 2 महीना, फिर 3 महीना और फिर 4 महीना, तो ऑब्वियसली जिसका टाइम पहले है तो अभी ड्यू डेट आएगा, ओके, तो उल्टा हो रहा है। चलो हाउ मेनी बिल इज देयर बच्चों, 3 बिल, ओके। ऑन 20 मार्च अमित सेंड फर्स्ट बिल फॉर कलेक्शन, 18 तारीख को बिल ड्रॉ हो गए बच्चों, अब 20 तारीख को क्या आ रहा है, अमित ने पहला बिल क्या कलेक्शन को डाल दिया, फर्स्ट बिल फॉर कलेक्शन, वाइल द सेकेंड बिल डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एन। अब बच्चों इसमें बिल डिस्काउंट हुआ लेकिन परसेंटेज दिया, तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो सेकेंड बिल डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एन, एंड थर्ड बिल इंडोर्स टू अजीत, और थर्ड बिल क्या हुआ बच्चों, अजीत पे इंडोर्स, पहला बिल कलेक्शन डाला है, सेकेंड बिल डिस्काउंट हुआ है, एंड थर्ड बिल क्या हुआ, इंडोर्स, ओके बच्चों। बट ऑन ड्यू डेट सुमित इज अनेबल टू मेक द पेमेंट, ठीक है, ड्यू डेट पे सुमित पैसे नहीं दे सकता बच्चों, अनेबल टू मेक द पेमेंट, सो पैसे नहीं दे सकते, इंस्टॉलमेंट नो, जब तक क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट वर्ड नहीं बोलता तब तक आप अपनी मर्जी से इंस्टॉलमेंट वर्ड नहीं बोलोगे, खाली बोला पैसे नहीं दे सकता, तो क्या हो गया बच्चों, ये डिसऑनर हो गया है, क्या बच्चों, अनलेस द वर्ड इज बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, यू कांट अज्यूम इट इज अ इंस्टॉलमेंट,
खाली बोला है सुनील पैसे नहीं दे सकता है, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर हो गया बच्चों। कौन सा बिल ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, खाली बोला ऑन द ड्यू डेट सुनील अनेबल टू मेक द पेमेंट, ड्यू डेट पे पैसे नहीं दे सकता है, इसका मतलब ऑल थ्री बिल क्या हो गया डिसऑनर। ओके, कल उन्होंने क्या था डिसऑनर में नोटिंग चार्जेस का अमाउंट दिया था बच्चों, इस समय नोटिंग चार्ज नहीं दिया है तो हम उसको इग्नोर करेंगे। ठीक, पार्ट द जनरल सो बच्चों 55 राइट है, 50 का अगर सेल का हम मतलब पार्ट पेमेंट हो रहा बच्चों, पार्ट पेमेंट 10,000 का पार्ट पेमेंट होता बैंक चेक राइट है, तो हमें तो बैलेंस लेफ्ट 40,000 बच्चों इतना का। अभी 40,000 का इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वन बिल दे हैव ड्रॉ द थ्री बिल, एक बिल ड्रॉ नहीं हुआ है, थ्री बिल ड्रॉ हुआ है। फर्स्ट बिल है 20,000 का, सेकेंड बिल है 12,000 एंड द थर्ड बिल इज देयर 8,000 राइट बच्चों। फर्स्ट बिल, सेकेंड बिल एंड थर्ड बिल बच्चों, फर्स्ट बिल का टाइमिंग है 4 मंथ, इसका है 3 मंथ एंड दैट इज ओनली 2। ओके, कल एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चन किया था मेरे को कि सर वो जो ड्यू डेट है सर अनिता यादव, अनिता लिखी थी तो एग्जाम्पल वालों बिल ड्रॉ किया जनवरी में, 5 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ, फर्स्ट बिल है 2 मंथ 3 मंथ और 4 मंथ। अब 10 जनवरी से 2 महीना का जो है बच्चों, 10 फरवरी 10 मार्च है राइट, तो 10 मार्च प्लस 3 डेज कितना है 13 मार्च राइट है। तो अनिता ने क्वेश्चन की कि सर पहला बिल का ड्यू डेट आ गया 13 मार्च को, तो क्या आगे का जो 3 महीने का जो सेकेंड बिल का ड्यू डेट है यहाँ से काउंट करेंगे कि यहाँ से काउंट करेंगे? बाकी बच्चे थोड़ा सोचो, व्हाट सी अनिता सेड दैट स्टडे दैट सर ये तो फर्स्ट बिल का जो ड्यू डेट है इनके एग्जाम्पल करेगा कल का डेट का नहीं है, 13 मार्च आ रहा है, सो विल इट बी काउंट दिस सेकेंड बिल ड्यू डेट फ्रॉम दिस 13 मार्च और द 10th जनवरी? सोच रहा है, मैं आपको जब थ्योरी बोल रहा था ड्यू डेट कभी भी कैलकुलेट करते हैं ऑन द ड्यू डेट ऑफ बिल, अल्टीमेटली तीनों बिल का भी ड्रा हुआ है 10 जनवरी को, तो ऑब्वियसली 10 जनवरी से डेट काउंट रहेगा बच्चों। ठीक है, जिस दिन आपने बिल ड्रा किया वो डेट से काउंट करना है, ये ड्यू डेट से नहीं। ओके, सो ऑल ड्यू डेट विल कैलकुलेट फ्रॉम 10th जनवरी। अब वो ओरली समझने के लिए अगर 10 जनवरी से ही काउंट करना तो 2 महीना अगर पड़ा 13 मार्च को तो 10 जनवरी से 3 महीना का भी पड़ेगा बच्चों, 13 अप्रैल को पड़ेगा, 10 जनवरी से 4 महीना का भी पड़ेगा बच्चों 13 मई पड़ेगा बच्चों, 13 मई। तो यू विल नॉट काउंटेड द 3 मंथ फ्रॉम 13 मार्च, अगर आप यहाँ से काउंट करते इसका मतलब क्या होगा कि सेकेंड बिल का भी ड्रॉ किया है 13 मार्च को, इफ द ऑल बिल ड्रॉन ऑन द सेम डेट पहले लिया रहेगा दूसरे बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद उसका एलआईसी लिए तो ऑब्वियसली ये पहले लिए तो इसका ड्यू डेट पहले पूरा आएगा, ये बाद में लिए तो ऑब्वियसली इसका ड्यू डेट बाद में आएगा। ओके, वैसे ही बच्चों यहाँ पे भी ये 2 महीना 3 महीना 4 महीना तो इसका ड्यू डेट पहले पड़ेगा सर। ओके, और इतना याद रखिएगा सारा कल डेट का ड्यू डेट का कन्वर्सन डेट ऑफ बिल से करेंगे। ओके, अब देखो बच्चों इससे पहला बिल का था 2 ही महीना तो ऑब्वियसली ये पहले आएगा मार्च फिर अप्रैल में, अब इसमें कोई बच्चों 4 महीना है 3 महीना 2 महीना तो ऑब्वियसली ये 2 महीने का ड्यू डेट पहले आने वाला है। ओके, फिर 3 महीने का फिर लास्ट में 4 महीने। ओके, 3 बिल तो हो गया, पहला बिल क्या किया उसने कलेक्शन बढ़ा लिया, फर्स्ट बिल से कलेक्शन, सेकेंड बिल डिस्काउंट पे एट द रेट ऑफ 10% एंड थर्ड बिल इंडोर्स टू अजीत,
इंडोर्स। ओके बच्चों, ये तीनों बिल क्या क्या वो दे दिया है। अभी तक डिस्काउंट का डायरेक्ट अमाउंट रहता था, अब आपको रेट दिया है, कैसे करेंगे हम देख लेंगे, ठीक। और फिर लास्ट में क्या बोल रहा है, ऑल थ्री बिल क्या हुआ है, डिसऑनर हो गया। क्या करेंगे, पहला एंट्री क्या करेंगे, सेल, उसके ऊपर पर्चे, फिर पार्ट पेमेंट रिसीव, पार्ट पेमेंट पेड, फिर थ्री बिल ड्रॉ हुआ है, थ्री बिल उधर एक्सेप्ट हुआ है, फिर ड्रॉवर ने तीनों बिल को क्या किया है, कलेक्शन डिस्काउंट एंड इंडोर्स किया है, और लास्ट में सब बिल क्या हुआ है, फिर डीजा। ठीक है बच्चों, ये था पूरा चार्ट और समरी।
सर नंबर डालना जरूरी है क्या? यस अदरवाइज हाउ कैन यू नो विच यू बिल फर्स्ट सेकंड थर्ड जब तक यू पुट द नंबर पहला बिल था जो 20,000 का, सेकेंड बिल था 12,000 एंड थर्ड बिल था जो 8,000 50 का सेल था, 10,000 पेमेंट हुआ था, कितना बैलेंस था 40,000 40,000 का पूरा एक बिल ड्रॉ, 40,000 उसने मल्टीपल 3 बिल ड्रॉ कर दिया बच्चों। एट द सेम टाइम बिल एक्सेप्ट करेगा, बिल एक्सेप्ट क्या गारंटी बच्चों? ड्रॉवर टू बिल स्टेबल ट्रॉली का अकाउंट डेबिट टू बिल स्टेबल नंबर 1 अकाउंट बिल्स केबल नंबर 2 का एंड बिल्स केबल ब्लड प्रेशर या बिल्स केबल हो पहला बिल था 20 का सेकंड था 12 एंड द थर्ड था 8 बी बिल एक्सेप्टेड 4 months, 3 months, 2 months कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल रखना है और एंट्री हमेशा फ्लक्चुएट करना है। अब लाइक बचपन में बच्चों 4 का पारा पढ़ो, 4 एकम 4, 4 एकम अगर फिर टीचर ने बोला क्या 4 बच्चे तो बच्चा कहेगा 4 एकम 4, 4 एकम वो ओरली बायर्ड होना चाहिए था कि 4 बच्चे डायरेक्ट कितना आएगा, अब फिर से 4 का पारा मत पढ़ते जाओ, तो वैसा होना चाहिए आपको एंट्री में। आपको एंट्री पूछा पार्ट पेमेंट रिसीव करता, आप शुरू से सोच रहे कौन सा एंट्री हो रहा है, दैट इज नॉट अ गुड साइन। सो वेरी फ्लेक्सिबल होना चाहिए कब कौन सा एंट्री आने वाला है, क्यों जो छप्पे या ड्रॉ एंड एक्सेप्ट। अब ड्रॉ के बाद क्या होता है बच्चों? ड्रॉ के बाद 4 ऑप्शन होते हैं, एक दो तीन बिल है कौन सा ऑप्शन अप्लाई करता है। ऑन 20 मार्च हमें सेंड फर्स्ट बिल फॉर कलेक्शन, तो जो पहला बिल है बच्चों उसका कलेक्शन हो जा रहा है, दूसरा बिल डिस्काउंट हो रहा है, तीसरा बिल इंडोर्स हो रहा है। ओके, ये बिल होगा ऑल एंट्री 20 मार्च को फर्स्ट बिल कलेक्शन बढ़ा दो, क्या कर दो बच्चों? कलेक्शन है थी बिल सेंड टू बैंक का कलेक्शन अकाउंट डेबिट बिल रिसीव, यस बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट हुआ है, सेकेंड में डिस्काउंट है एट द रेट ऑफ 10, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बिल
डिस्काउंट के क्या एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल मुकुंदा बिता बच्चों सेकेंड ओके दस बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल अब सेकेंड तक 12 का है तो दिया था बिल डिस्काउंटेड बाय 11,700 तो कैसे करते बच्चों सेकेंड दिन तक 12,000 का और डिस्काउंट दिन क्या 11,700 तो क्या करते 11,700 तो 300 रुपये डिस्काउंट हो बराबर बच्चों बट दे नॉट गिवन द अमाउंट दे गिवन द डिस्काउंट का रेट दिया बच्चों तो कैसे करना तो इन द डिस्काउंट का रेट दिया रहा है तो क्या करें अमाउंट ऑफ बिल इन टू रेट अमाउंट ऑफ बिल बच्चों बिल का अमाउंट कितना था कौन सा बिल बच्चों सेकेंड बिल डिस्काउंट होगा तो सेकेंड बिल का अमाउंट था 12,000 रेट कितना रेट है बच्चों 10% बोलता है मतलब रेट 10% एंड द पीरियड ऑफ द बिल केप्ट इन द बैंक कितने महीने के लिए बिल बैंक के पास था मैंने क्या मतलब बच्चों डिस्काउंट का बिल गिरवी रखना तो बिल कितना टाइम के लिए गिरवी रहेगा बैंक वाला उतना चार्ज देगा देखो मैंने बिल ड्रॉ किया था 18 मार्च को और 20 मार्च को डिस्काउंट मिला तो 2 दिन का खाली पता था एक दो दिन का कुछ केस नहीं आता इसका मतलब 20 मार्च को आप डिस्काउंट करने गए और सेकेंड बिल का टाइमिंग कितना था 3 मंथ तो 3 महीने में से 2 दिन कट कर दो बाकी पूरा तो 2 दिन में चीज़ें नेगलिजिबल है ना 1-2 दिन 3-4 दिन से तो फर्क पड़ता नहीं इसका मतलब पूरा 3 महीने का बिल बैंक के पास है तो मैंने कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना द पीरियड ऑफ द बिल केप्ट इन द बैंक बिल कितने टाइम के लिए बैंक के पास होता है वो ध्यान रखना अब इस केस में तो 3 दिन अगर ऐसा होता कि बिल डिस्काउंट उसने 20 मार्च को नहीं 20 अप्रैल को किया तो सोचो 18 मार्च को ड्रॉ हुआ है और डिस्काउंट करने का भी क्या है 20 अप्रैल को गया है इसका मतलब करीब करीब 1 महीना 2 दिन तक बच्चों 1 महीना 2 दिन तक बिल उसने अपने पास रखा था बाद में उसको अगर पैसे की जरूरत पड़ गया तो बैंक में गया 3 महीने का बिल था उसमें से 1 महीना बिल अपने पास रखा है तो खाली 2 महीना बचेगा बैंक के पास तो ऐसा सोचना बिल बैंक के पास कितने टाइम का रहेगा बैंक वाला चार्ज उतना टाइम का रहेगा ओके इस केस में 20 मार्च को हो रहा है तो 18 मार्च और 20 मार्च 2 दिन का गैप है यानी इग्नोर इसका मतलब कंप्लीट 3 महीना बिल किसके पास जाएगा बैंक के पास तो 3 मंथ 3 अपॉन 12 करने 10% पर एनम है पर एनम पर 1 साल पड़ता है डायग्राम में क्या कर रहा मैं अमाउंट ऑफ द बिल 12,000 अमाउंट हो गया 10% रेट है और पीरियड ऑफ द बिल खाली दूसरे बिल का पीरियड खाली नहीं लिखा मतलब पीरियड ऑफ द बिल केप्ट इन द बैंक बैंक में कितने टाइम के लिए बिल है ओके तो यहाँ पे 2 दिन के बाद ही डिस्काउंट करा लिया तो कोई टेंशन नहीं इमीडिएटली डिस्काउंट कर दे तो पूरा आएगा लेकिन उधर कर दिया गया आफ्टर अमाउंट डिस्काउंट किया 1 महीने के बाद डिस्काउंट किया आफ्टर 2 मंथ डिस्काउंट किया तो देखना कि कितने टाइम के लिए बिल बैंक के पास है ये बच्चों तब कैसे में तो एक दूसरे में आए सॉल्व करते हैं 300 तो 300 आ गया यानी 300 रुपये क्या बच्चों बैंक का डिस्काउंट चार्जेस है तो अमाउंट ऑफ द बिल रेट और कितने टाइम के लिए बिल बैंक के पास पड़ा हुआ है 300 रुपये क्या ऐसा करेंगे 12,000 में 300 रुपये मेरे को देगा बाकी 11,700 डिस्काउंट 300 रुपये का 1,000 खाने लेते हैं 300 रुपये बैंक का चार्जेस है और 11,700 सेकेंड बिल डिस्काउंट है रेट ऑफ 10% थोड़ा सा पेशेंस रखना अब इसमें कैलकुलेट आगे ऐसे ही आएगा तो एक क्वेश्चन का अपना भी आ जाएगा और इतना रखो अमाउंट ऑफ बिल कितना होता है रेट क्या दिया है और बिल कितने टाइम के लिए 18 तारीख को
ड्रॉप किया 20 को डिस्काउंट करा, एक दो दिन चार दिन पाँच दिन का गैप रहता, कोई टेंशन नहीं पूरा लेना। हाँ 15 दिन का गैप होता, मान लो 15 दिन का गैप पड़ता था, 3 महीने में से 15 दिन हटा दो, 15 दिन का आधा महीना, बाकी 2.5 महीने का लेंगे तो 2.5 महीने 2.5 और यहाँ क्या आएगा बच्चों 9 महीने ने हम बिल का आने
तब इसको डायरेक्ट इसको इग्नोर कर दो भी चलेगा, ओनली राइट द बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट को अभी तक पाओ। ओके अगर मुझे नहीं लिखते तो भी नोटिस कर रहे तो मैं क्या शो करिए ऐड करेंगे। और फिर मैं डाउट आता हूँ